नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक भवनाथ आजमगढ़। त्योहारों पर ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। रमा हॉस्पिटल लरोली आजमगढ़, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। गोमती ग्रामीण निधि बैंक रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। वुडन टच भवनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया था, लेकिन आजमगढ़ शहर में इस अभियान का असर देखने को नहीं मिल रहा। नगर के कुछ स्थानों पर तो सड़कें गड्ढा मुक्त की गई, लेकिन अधिकतर जगहों पर अभी भी सड़कें खस्ता हालत में हैं। शहर के व्यस्ततम मार्ग पुरानी सब्जी मंडी बदरका पिछले कई साल से क्षतिग्रस्त है, जिससे लोगों का इस मार्ग पर चलना दूभर हो गया। हाल ये है कि गिट्टियां उखड़ने से सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन गए, जिसमें आए दिन बाइक सवार गिरकर घायल हो जाते हैं। वहीं महिलाएं, बच्चे व बुजुर्गों को पैदल चलने में काफी परेशानी होती है। इस मार्ग से आम जनता के अलावा स्कूल वाहन आते जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिम्मेदार सुद नहीं ले रहे। कहना ना होगा कि जिले की सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, चुराहगीरों को बीमार व घायल कर रहे हैं। जहां बड़े गड्ढों और उकड़ी गिट्टियों से वाहनों की रफ्तार कम हो रही है, तो वहीं राहगीर इनमें लगने वाले झटकों से कमर और गर्दन दर्द के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उदासीनता लोगों पर भारी पड़ रही है। अभी हाल ही में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने समीक्षा बैठक में पीडब्ल्यूडी के अभियंताओं को जल्द से जल्द सड़क को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया, बावजूद इस पर कार्य शुरू नहीं किया जा सका। फिलहाल मौजूदा वक्त में सड़क के गड्ढे राहगीरों को दर्द दे रहे हैं। दोपहिया और चार पहिया वाहन हिचकोले खाते हुए चल रहे हैं, जरा सी चूक हादसों का सबब बन रही है। शहर की जनता विकास और विकास विकास के नारों को सुन सुन कर इन गड्ढों में गिर गिर कर घायल हो रही है। शहर का ऐसा हाल देखकर विकास शर्मिंदा है और अपने आत्मसम्मान को जल्द से जल्द पा लेने की उम्मीद पाल रहा है। शहर की सड़कें तो काफी समय से खराब चल रही हैं। नगर पालिका तो थोड़ा बहुत कुछ काम भी कर रहा है और पीडब्ल्यूडी विभाग तो कुछ भी नहीं कर रहा है। कई बार जिला प्रशासन से आश्वासन दिया गया, लेकिन फिर भी कोई काम इस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। शहर की सारी सड़कें बहुत ही खराब हैं, बिल्कुल भी चलने लायक नहीं है। रोज कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जा रहा है, कोई गिर जा रहा है गड्ढे में, कोई पड़ जा रहा है, कुछ किसी को चोट लग जा रही है, लेकिन कोई भी कार्रवाई आज तक कोई भी काम जिला प्रशासन की तरफ से नहीं हुआ। हम लोग यही चाहते हैं कि शहर की सड़कें जल्दी जल्दी अच्छी बन जाएं, दुरुस्त हो जाएं, अच्छी हो जाएं, ताकि शहर के सभी आदमियों को आवागमन में आराम मिले, आने जाने में आराम मिले सबको। सड़क बहुत बेकार है, इसमें रोड सब खराब है, बहुत दिक्कत है, कहीं गड्ढा कहीं उबड़ खाबड़, कहीं बराबर सड़क नहीं है सब। बहुत लोग जैसे जो रोडवेज वहाँ से लल्डिगी से पांडे बाजार तक आई, पूरे रोड प्रेस मिल भी नहीं करेगी, कहीं गड्ढा कहीं उबड़ कहीं वहाँ गिट्टी बिछाई हुई है रोड पे। जी क्या चाहते हैं आप? हम लोग सोचते हैं कि शहर की रोड फ्रेश हो जाए, बन जाए पूरी मार्ग, सब किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो। सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाशोत्सव कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया गया। नगर की मातबरगंज स्थित गुरुद्वारे में सुबह से ही सिख धर्म के अनुयायी जुटने लगे। लोगों ने श्रद्धा पूर्वक गुरु ग्रंथ साहब के समक्ष शीश नवाया। इस अवसर पर सभी धर्मों के लोगों ने मिलजुल कर गुरुवाणी का पाठ किया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह शबद कीर्तन से हुई। पूर्वाहन 10 बजे सहज पाठ कार्यक्रम संपन्न हुआ। गुरु अरदास के पश्चात कड़ाह प्रसाद का वितरण किया गया और गुरुद्वारे में आयोजित लंगर में सभी धर्मों के लोगों ने सुस्वाद भोजन का स्वाद चखा। इस मौके पर गुरुद्वारा कमेटी के पदाधिकारी सदस्य सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। रागी जत्थे ने कीर्तन किया और संतों ने गुरु नानक जी के उपदेश को सुनाकर उस पर चलने की प्रेरणा दी। Thank you.
गुरु पर्व पर 6 व 7 नवंबर को प्रातः प्रभात फेरी निकाली गई। गुरु ग्रंथ साहिब को चवक ढुला इज्जत दी गई। अरदास के बाद हुक्मनामा पढ़ा गया। संगत व शब्द कीर्तन के बाद लंगर का भी आयोजन किया गया। गौरतलब है कि सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक देव की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। इनकी रचनाओं में जपू जी और असादी बार बहुत प्रसिद्ध है। फुटकर रचनाओं की भी बड़ी संख्या में है। उन्होंने वेदों के ओम शब्द को बहुत ही महत्व दिया। कबीर की भांति ये निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे और एकेश्वरवाद के प्रचारक रहे। उनकी वाणी में कर्म ज्ञान भक्ति वैराग्य और योग सभी की चर्चा पाई जाती है। वो एक साथ दार्शनिक कवि और समाज सुधारक थे। इन्होंने ब्रह्मा की सत्ता माया की शक्ति जीवन की क्षण भंगुरता की चर्चा बार बार की। कुल मिलाकर नानक देव के बारे में यही कहा जाता है कि वो परम पुरुष के प्रेम में रात दिन लीन रहने वाले एक सच्चे साधक थे। देव जी का 553वां जन्मोत्सव प्रकाश उत्सव बड़ी धूमधाम और सदा से मनाया जा रहा है। गुरु नानक देव जी का जन्म ननकाना साहब पाकिस्तान में आज से 553 वर्ष पूर्व हुआ था। माता गुजरी के घर पे वहाँ पे उन्होंने प्रकाश लिया और पूरे संसार में उन्होंने भाईचारे को निभाने का और धर्म पर चलने का प्रेरणा बख्शी। उन्हीं का आज गुरु पर्व है जो सारे समाज हिंदू मुस्लिम सब मिलकर मिलाते हैं मनाते हैं बड़ी धूमधाम से। यहाँ पर 6 तारीख 7 तारीख को प्रभात फेरी निकाली गई थी जो पूरे नगर में भ्रमण करते हुए गुरु का उपदेश दिया। और आज सुंदर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से गुरुद्वारे के अंदर हम लोग गुरुपुरुष शब्द कीर्तन भजन चल रहा है जो दीवान सजा दीवान में आज सहज पाठ की समाप्ति हुई है। कीर्तन हो रहा है कीर्तन के उपरांत अरदास होगी उसके बाद समाप्ति के बाद कड़ा प्रसाद बटेगा लंगर बटेगा जो सब सजा पूर्वक खा के अपने घरों जाते हैं गुरु का आशीर्वाद लेके जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए पिछले करीब 2 महीने से भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में देश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर और किसान आंदोलन से चर्चित हुई यूपी के बुलंदशहर की रहने वाली पूनम पंडित आज आजमगढ़ पहुंची। कंदरापुर थाना क्षेत्र के मंदरी हवाई पट्टी के निकट चल रहे किसानों के आंदोलन में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इस आंदोलन को धार देने के लिए पहुंची मेधा पाटकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र की मोदी की और प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि विकास की गलत प्राथमिकता और अवधारणा के कारण देश के किसान मजदूर दलित व आदिवासी विस्थापन की त्रासदी झेल रहे हैं और यहां भी यही हालत दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून का पालन नहीं कर रहा जिसमें भूमि अधिग्रहण के लिए 80% किसानों की सहमति जरूरी है। पुलिस उत्पीड़न के दम पर सरकार जमीन अधिग्रहण करना चाहती है जो कि गलत है। कहा कि प्रदेश सरकार ने अंग्रेजों को भी फेल कर दिया। अंग्रेजी शासनकाल में भी 1894 के बनाए गए कानून का पालन किया जाता है। कहा कि आजमगढ़ में एयरपोर्ट की जरूरत नहीं है बल्कि किसानों के लिए मंडियां स्थापित की जाएंगी। शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। 8 किलोमीटर हरी भरी जमीन अधिग्रहण कर सरकार किसानों से उनका रोजगार छीन रही है। उन्होंने कहा कि सरकार में अदानी और अंबानी प्रतिदिन हजारों रुपए कमा रहे हैं जिससे अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ती चली जा रही है। मेधा पाटकर ने कहा कि अभी तक सरकार के जिम्मेदार नेताओं और जिला प्रशासन ने जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को नहीं जाना। जिलाधिकारी ने जो आंकड़े दिए है वो हास्यास्पद है। प्रशासन का ये कहना भी गलत है कि 80% किसान जमीन अधिगम के पक्ष में है। प्रशासन सिर्फ ड्रोन से सर्वे कर रहा है। कहा कि गुजरात में 37 साल तक नर्मदा का आंदोलन चला उसके बाद करीब 50,000 लोगों का पुनर्वास हो सका। वहीं किसान आंदोलन के दौरान चर्चित हुई पूनम पंडित ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान भी सरकार जुमलेबाजी कर रही थी और यहां भी जुमलेबाजी ही कर रही है। कहा कि आजमगढ़ में कितने लोगों को एयरपोर्ट की जरूरत है। जिस तरह से सरकार किसान आंदोलन में 700 किसानों की शहादत के बाद बैकफुट पर आकर कृषि कानून को वापस ली यहां भी सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। पूनम पंडित ने कहा कि आजमगढ़ में किसान आंदोलन को कुचलने के लिए शासन प्रशासन आंदोलनरत महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहा है जो सरासर गलत है। यहां आजमगढ़ में इसलिए पधारे हैं क्योंकि विकास की गलत प्राथमिकता और गलत अवधारणा के तहत आज देश के खेतीहरों का न केवल जमीन मालिक पर जिनमें किसान के साथ मजदूर है दलित है कहीं आदिवासी भी हैं इन सब को विस्थापन की जो त्रासदी भुगतनी पड़ रही है वो यहाँ भी आज फिर से दर्शन दे रही है। और अगर एक एक जगह पर
ऐसे पूर्वांचल में जहां एयरपोर्ट की जरूरत है कि मंडियों की जरूरत है, स्वास्थ्य केंद्रों की जरूरत है, शिक्षा केंद्रों की जरूरत है कि एयरपोर्ट की हवाई जहाज अड्डे की जरूरत है, ये सवाल हमारे मन में है। और ये मंजूरी एयरपोर्ट को 8 किलोमीटर तक लंबा चौड़ा करके अंतर्राष्ट्रीय बनाना, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पूंजी तो इस देश की आत्मनिर्भरता खत्म कर रही है, लेकिन लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, इलाहाबाद में है, कहीं कहीं है, और फिर भी यहाँ लोगों की ये हरी भरी खेती, ये अन्नदाताओं की जीविका का एकमात्र आधार, यहाँ के ये हरे भरे वेंटिलेटर्स के रूप में खड़े पूरे पेड़ पौधे और हरा आच्छादन, और इनके आवास किसान मजदूरों के, इस सब को उजाड़ने के लिए किस प्रकार से साजिश चल रही है। जब हमको पहले मालूम पड़ा कोई वहाँ मध्य प्रदेश का श्रमिक अपना खेत और अपना घर जा रहा है इसलिए दौड़ के आने लगा, तब तो क्या देखा कि पुलिस बल के आधार पर धन बल के साथ जोड़कर ये आक्रमण कर रहे हैं। 1894 के बाद 2013 का जो कानून बनाने के लिए हम लोगों ने जान छेड़ी और ये कानून बनाया, क्या आपके डीएम साहब से लेकर सीएम साहब तक किसी ने ये कानून पढ़ा है? इस कानून का अमल न करते हुए, एक नोटिस भी न देते हुए, कहीं सामाजिक असर हो रहा है, पर्यावरण पर असर पड़ रहा है, उसका अभ्यास न करते हुए, ग्राम सभा से ग्राम पंचायतों तक किसी को सहभागी न करते हुए पुलिसों को ये बलि दे रहे हैं, पुलिसों को आगे कर रहे हैं, और उनके बल पर कुछ लाठियां भी चलाकर खेतों में घुसकर ये इस प्रकार के जमीन का कब्जा कर रहे हैं। वो भी 1894 का कानून तो इस्तेमाल करते थे, नोटिस देते थे, नोटिस पर धारा 5 के तहत आपत्ति की सुनवाई होती थी, फिर निर्णय होता था, तो ये निर्णय कैसे हुआ, किसने लिया, ये एक सवाल है। इसमें सार्वजनिक हित कहाँ है, ये सवाल है। इसके अध्ययन कहाँ हुए हैं और लोगों की सहभागिता कहाँ है? और आज देश में ज़रूरी है रोजगार, और रोजगार का सबसे महत्व का आधार है खेती। जो कारखानों से छटनी करके बाहर आते हैं वो या तो पलायन करते हैं, जिनको लॉकडाउन में हमने यहाँ के एक एक जिले के लोगों को, हजारों को रात को 11-11 बजे तक ट्रेन में बिठाने का काम किया था, आज फिर क्या पलायन थोपने जा रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं मजदूरों को भी, ये हमारा सवाल है। और लोगों ने का जब निर्णय है कि हम नहीं देना चाहते हमारी जमीन हमारा घर, तो सीएम योगी हो कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो, इन्होंने जनतंत्र और संविधान को कुचल कर इस प्रकार से जनता पर भी हमला नहीं करना चाहिए। मैडम तीसरे चौथे नंबर में आए, और आज गौतम अडानी की और मुकेश अंबानी की रोज की कमाई 1000 करोड़ से ज्यादा है, ये संविधान गैर बराबरी के खिलाफ है, हम भी गैर बराबरी के खिलाफ है, और इसीलिए ये जो गैर बराबरी बढ़ाने वाला विकास थोप रहे हैं उसका विरोध कौन करता है, जिनकी आजीविका, जिनका जीने का आधार, जिनकी संस्कृति, जिनकी प्रकृति खतरे में आती है, तो ये उनका अधिकार है कि नहीं? मैडम उन्होंने जिस तरह से प्रदर्शन किया और जो कृषि कानून बने तो उसको वापस लेने पर सरकार मजबूर हुई, तो आपको लगता है कि ये आंदोलन में इतनी जान आ चुकी है और तमाम लोग जो आ रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं सरकार? देखिए हमारा कोई चुनावी मैनिफेस्टो तो नहीं है और वोट लेने के लिए हम नहीं आए हैं, तो कैसे आंदोलन बढ़ता है वो खुद तय करते हैं। नर्मदा आंदोलन 37 साल चला ना, तब 50,000 लोगों का पुनर्वास हुआ, तब जमीन के बदले जमीन 5-5 एकड़ कम से कम मिल गई, और कैसे पुनर्वास स्थल बने, महल बन गए, पर अभी भी जो बाकी है 1000 लोग, हम लोग लड़ी रहे हैं। तो ये सब जो होता है ना, गुजरात में आज चुनाव में नर्मदा 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 मुद्दा क्यों मोदी जी को उठाना पड़ता है, क्योंकि गुजरात समझ गया है कि नर्मदा के मुद्दे पर उनको फंसाया है। तो आप समझिए कि लोग आंदोलन की राह तय करते हैं, हम नेता नहीं हैं, हम कार्यकर्ता हैं, और यहाँ जो सामूहिक नेतृत्व किसान मजदूरों का रहेगा और आज भी रहा है वही आगे बढ़ने वाला है। हमारा जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय लोगों के साथ दे देगा, यही हमारा मामला है। पर जब तक अहिंसक सत्याग्रही रहेंगे, और आपके डीएम ने कल परसों जो स्टेटमेंट दिया है वो तो हंसे के रोए समझे नहीं, ऐसा है, उन्होंने केवल कानून का पालन करेंगे जिक्र किया है, पर कानून की प्रक्रिया पुलिस घुसाने के और एयरपोर्ट का निर्णय लेने के पहले चलनी थी, वो तो चली ही नहीं है।
और जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं वो हास्यास्पद है। 17 गांवों के अगर 763 ही परिवारों के आवास जा रहे हैं, ये हमें तो इनके दिए हुए दर्शन से बिल्कुल मंजूर नहीं है। और ग्राम पंचायतों को नकार रहे हैं तो ग्राम सभा को तो मानते ही नहीं है। आज की सरकार ये जो कानून आया है उसको और संविधान को भी नहीं मानती है, यही एक दुख दर्द की बात है। और अगर ऐसे ही चलेंगे, खेती नहीं बचेगी, हरा आच्छादन नहीं बचेगा, तो पानी भूजल खत्म होगा, तो नदियां नहीं बचेगी, तो ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर मरे कोरोना के पैंडेमिक में लोग, और भी खतरनाक वायरसेस आ जाएंगे। पर ये जो विकास के नाम पर गैर बराबरी बढ़ाने वाला, विस्थापन और विनाश करने वाला ये जो वायरस है, ये सबसे खतरनाक है, और इसीलिए लोगों की जान बचाने के लिए हम सब उनके साथ गुमराह कर रही है, शासन को अलग गुमराह, ये उनका तरीका है, ये उनका तरीका है। और केवल अधिकारी नहीं, नेतागण इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, वो ऊपर से संदेश नहीं आदेश देते रहते हैं और एक भी कागज इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जब लोगों को आधार कार्ड बनाना है तो दसों कागज मांगते हैं। सर यहाँ के मैडम, यहाँ के सांसद हैं, जब लोग ये लोग विरोध करते हैं उनको ये कहते हैं कि किसी पार्टी को टारगेट करके कहते हैं, जो उनके विपक्ष में ये उनके लोग हैं, किसान नहीं है ये लोग। आप जानते हैं राजनीति में राज भी नहीं और नीति भी नहीं, तो फिर उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए हम मजबूर नहीं हैं, हम जनशक्ति के साथ हैं, तो हम लड़ेंगे। और एडीएम ये कह रहे हैं कि हम 80% लोगों की परमिशन के बावजूद ये कदम उठाए हैं, और या कहां ये दिख रहे हैं 80% लोग जिन्होंने समर्थन किया है यहाँ एयरपोर्ट बने परमिशन के बावजूद, वही तो हम तो वही कह रहे हैं, उसके बिना इन्होंने आगे ढकेला है। जबकि इस कानून में स्पष्ट चित्र है कि भाई परमिशन चाहिए लोगों की, पर वो भी कैसे लेते हैं। आज अगर वो यहाँ कभी एक बार भी दर्शन देने नहीं लाए, ऐसा नहीं होता है। महाराष्ट्र में भी जब कांग्रेस सरकार थी या केंद्र में थी, हम किसी पार्टी में नहीं है, पर मैं कहूँ छठी मंजिल से नीचे उतर कर मंत्री हमारे बीच में बैठते थे। अच्छा, मुंबई में हो कि दिल्ली में हो, ऐसा क्या करना संभव नहीं है। डीएम साहब भी सर्वे किया गया, कुछ महिलाओं को भी पीटा गया है। ये ड्रोन सर्वेस कर रहे हैं आजकल, एक घर है तो उसमें कितने परिवार रहते हैं ये क्या ड्रोन बता सकता है। आज स्वामित्व योजना जैसे मुद्दे हैं, जंगल के कानून के नियम बदल रहे हैं, आदिवासियों का जंगल दिल्ली में बैठकर किसी भी कंपनी को देना ग्राम सभा की मंजूरी के बिना, ये नए नियम कहते हैं। क्या ये देश को बचाने की बात है कि देश को खत्म करने की बात है। आपको एक और बताऊं कि इन्होंने जो एयरपोर्ट पहले ही बना दिया है, उस एयरपोर्ट का कितना उपयोग हुआ है, इसके भी जान जरा आप माध्यमकर्ता करिए, आप भी तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और मीडिया पर्संस हैं। दूसरी बात ये कीजिए कि इस क्षेत्र में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो कितने लोग उस फ्लाइट में चढ़ने वाले हैं, कि दूर दूर के लखनऊ के लोग यहाँ आकर बैठेंगे पैर पे, ये भी देखिए। हमें याद है एक अरुण जगह पर नदी थी और वहाँ एक नेपाल में एयरपोर्ट बन रहा था, हम जब देखने गए तो लोगों ने कहा कि जब से एयरपोर्ट बना है हमारे एक भी व्यक्ति एयरपोर्ट में हवाई जहाज में चढ़ा नहीं है। पूरा उसका मुद्दा विश्व बैंक को भी समझ में आया और उन्होंने उस प्रोजेक्ट का फंड रोक दिया, जैसे सरदार सरोवर का, नर्मदा का भी रोक दिया था। तो अगर हमारी सरकार नहीं समझती है कानून, संविधान और मानवीय अधिकार भी, जीने के अधिकार भी, तो फिर लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। देश को पता है कि जब किसान आंदोलन हुआ था तब भी ये लोग यही हमें जुमलेबाजी पढ़ाते थे। अगर 80% की लोगों की इन्होंने सर्वे कर लिया है तो ये सामने इतनी भीड़ आपको दिख रही है, ये कौन है? ये हम अपने साथ लेके आएंगे बुलंदशहर से या ये मध्य प्रदेश से साथ लेकर के आए? मेधा पाटकर जी, मेरी माता तुल्य बैठी हुई है, इन्होंने इतनी डिटेल में आपको बताया कि ना ये साथ लेके आई ना हम लेके आए, ये सभी लोग यही के हैं, आसपास के लोग हैं, ये प्रभावित है। क्यों ऐसा हो रहा है? देखो ये सामने ना, जहां मैं बैठी हूँ यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर एक नदी भी बह रही है, जब पानी का विकास रुक जाएगा, सामने स्कूल है, शिक्षा है, क्यों नहीं यहाँ पे मंडी बनाई जा रही? और यहाँ पे हवाई पट्टी भी है, पास में एयरपोर्ट एक नहीं है कि लखनऊ का हो, लखनऊ, गोरखपुर, कुशीनगर, वाराणसी, इलाहाबाद, 5-5 एयरपोर्ट है, उन्हीं एयरपोर्टों को आप इंटरनेशनल बना लेती है। और यहाँ से कितने लोग ऐसे है कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट में सफर करेंगे या वहां से चल करके यहाँ आएंगे? फिर एयरपोर्ट के लिए जो जमीन एक बार होती है वो कौन सी होती है? जो उपजाऊ नहीं होती है। और इनकी ये जमीन उपजाऊ, जिनसे ये
खाते हैं भोजन, और उस जनता, यही जनता उसी में से उगा करके भारत को और उत्तर प्रदेश को टैक्स देती है, जिसकी वजह से ये जो जितने सारे लोग मेरे प्रशासन के भाई खड़े हुए हैं इनकी तनख्वाह जाती है, ठीक, उसके बावजूद भी हमेशा से पीड़ित सिर्फ किसानों को और मजदूरों को ही क्यों किया जाता है। जुमलेबाजी तो जब भी दी गई थी जब 13 महीने देश में इतना बड़ा आंदोलन चला था, आजादी के बाद से 1947 के बाद से इतना बड़ा आंदोलन चला था, जब भी इतनी सारी दुहाइयां दी गई थी, लेकिन फिर भी बैकफुट पर जाना पड़ा सरकार को। क्यों जाना पड़ा? सभी को पता है कि सच को आज कभी नहीं होती है, इसलिए हम लोग सच के साथ हैं। और ये इतने सारी महिला जो बैठी हैं, महिलाओं के साथ में इनकी बदसलूकियां करना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वर्दी को भी बदनाम करते हैं। मेरी बहन बता रही थी सुनीता अभी आते ही मुझे तुरंत कि मुझे इतनी बदतमीजी की गई पुलिस के हमारे भाइयों ने, तो मैं सबको ना बोल करके उनको तो बोल सकती हूँ ना जिन्होंने ऐसी हरकत की। ये मेरे उत्तर प्रदेश या देश की पुलिस का काम ये नहीं है। SDM पुलिस देश, सुन लीजिए आप, वो बेटी बता रही है, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस या देश की पुलिस का काम ये नहीं है। पुलिस का काम ये है कि जब बेटी के बलात्कार हो जाते हैं उन बलात्कारी को पकड़े, फांसी पर चढ़ाए, लेकिन नहीं, यहाँ उल्टा सिस्टम है। सरकार ऐसे बलात्कारियों को, सेंगर जैसे लोगों को सपोर्ट करती है, उनको ये भी सपोर्ट करने लग जाते हैं। क्यों? मैं मानती हूँ कि एक पुलिस वाले भाई को एक बेटी की शादी भी करनी होती है, अपने बच्चे भी पालने होते हैं, अपनी बीवी बच्चे भी देखने होते हैं, लेकिन जमीर मार करके थोड़ी ना देखेंगे। मैं इन लोगों से भी यही बोलूंगी कि जब जब आपका आंदोलन होगा, अभी तो हम जनता है, हम जनता पे इतनी इनकी गार गिर रही है जिसकी कुछ मैं तुलना ही नहीं बता सकती, लेकिन जब ये अपने लिए आवाज उठाएंगे ना, तो इनके लिए आवाज उठाने के लिए कोई मंत्री तंत्री नहीं आएगा, हम जैसे लोग इनके लिए आवाज उठाएंगे और इनकी वर्दी के लिए आवाज उठाएंगे जब इनको जरूरत होगी, जब कोई मंत्री नहीं आएगा। ये देश के सबसे बड़े आंदोलन को कहते थे कि अदर पार्टियों का सपोर्ट है, लेकिन देश के सामने, पूरी देश की रूपरेखा सामने आई 700 लोगों की शहादत के बाद। क्या कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कि मेरी प्रयास में कुछ कमी रह गई, यानी कि इतनी लोगों को प्रताड़ित करने के बाद और इतने लोगों की शहादत के बाद फिर भी मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं कि कमी रह गई कहीं ना कहीं, तो ये सिर्फ इनके एक जुमलेबाजी थे। मैं ये पूछना चाहती हूँ जो यहाँ के सांसद हैं जो पहले एक बार हार गए हैं कि उन्होंने यहाँ की जो हवाई पट्टी है, यहाँ पे जो बना हुआ है एयरपोर्ट, उसका कितनी बार दौरा किया है। वो ऑफिशियल चेयरपर्सन विजिट के क्रम में इनर व्हील क्लब और नवेली क्लब के संयुक्त तत्वाधान में शहर के कई स्थानों पर विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर की हीरापट्टी साई हॉस्पिटल में इनर व्हील क्लब द्वारा महिलाओं को एनीमिया रोग के प्रति जागरूक किया गया। मौके पर पहुंची डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन वर्षा विनय कुमार, जोनल कोऑर्डिनेटर भारती सिंह की मौजूदगी में साई हॉस्पिटल में उपस्थित महिलाओं को एनीमिया की जाँच कराई गई, साथ ही गुड़ चना के साथ साथ मरीजों में फल का वितरण किया गया। वहीं डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन वर्षा विनय कुमार, जोनल कोऑर्डिनेटर भारती सिंह के हाथों एक मासूम दिव्यांग लक्ष्मी को व्हीलचेयर प्रदान कर उसके जीवन यापन हेतु सहयोग दिया गया। इस दौरान कैंसर रोग और धूम्रपान छोड़ने हेतु लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर को जनहित में प्रसारित कराया गया। ये पोस्टर महिलाओं द्वारा शहर में जगह जगह लगाकर गंभीर रोगों के प्रति आम जनमानस को आगाह किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन वर्षा विनय कुमार ने कहा कि नरवील क्लब अपने सामाजिक कार्यों दायित्वों के प्रति बेहद गंभीर है। क्लब समाज का एक नेक मित्र, समाज के वंचित और हाशिए पर जीवन यापन करने वालों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहा। इनर व्हील क्लब ऑफ आजमगढ़ और इनर व्हील क्लब ऑफ आजमगढ़ नवेली के द्वारा ऑफिशियल चेयरमैन विजिट के प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, और मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन वर्षा कुमार डिस्ट्रिक्ट 312 की चेयरमैन हूँ, और मैं लखनऊ से आई हूँ। आज इस चेयरमैन विजिट के अवसर पर इन लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिनमें कि विशेष प्रोजेक्ट जो आज यहाँ पर हो रहा है उसमें एक लड़की के विवाह के लिए उसका शादी का सामान दिया गया है क्लब की तरफ से, इनर व्हील क्लब ऑफ आजमगढ़ की तरफ से और नवेली की तरफ से दिया गया, आजमगढ़ नवेली की तरफ से। और एक महिला को स्वावलंबन के लिए 2 मशीनें डोनेट की गई हैं, और साथ में एक धूम्रपान पे के अवेयरनेस के लिए कि उसको लोग ना करें मैसेज सोसाइटी को देने के लिए ये लोग कुछ पोस्टर्स रिलीज कर रहे हैं जो कि पूरे शहर में लगाए जाएंगे। एक बच्चे की फीस भी, हाँ, एक बच्चे को गोद लिया गया है जिसका कि पढ़ाई का और उसका खर्चा क्लब वहन करेगा पूरे वर्ष। इनर व्हील क्लब सामाजिक सेवा के कार्य करता है, और हमारा जो मोटो है इनर व्हील क्लब का वो फ्रेंडशिप एंड सर्विस है, जिसमें कि हम दोस्ती के साथ साथ समाज सेवा के कार्य करते हैं। प्रेसिडेंट मंजू अग्रवाल व सेक्रेटरी अमित लता सिंह ने कहा कि इनर व्हील अपने सामर्थ्य अनुसार समाज के सदैव खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों के साथ हुई मंत्रणा में आगे की कार्य योजना तैयार कर ली गई है।
वहीं दो बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से दूसरा मशीन दिया गया। धूम्रपान के प्रति जागरूकता का बैनर पूरे आजमगढ़ में लगवाया जाएगा। साथ ही एक गरीब बच्चे को शिक्षित करने के लिए एक साल तक के लिए पढ़ाई का खर्च इनरव्हील क्लब उठाएगा। उसके बाद रोडवेज स्थित सभागार में नवीली क्लब के तत्वाधान में संयुक्त रूप से इनरव्हील क्लब की वार्षिक बैठक डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन वर्षा विनय कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पुष्पा श्रीवास्तव ने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन वर्षा विनय कुमार के जीवन वृत्त पर प्रकाश डाला। इसके बाद नवेली द्वारा करतालपुर निवासी ने एक बच्चे की शादी के लिए गृहस्थी का साजो सामान उपलब्ध कराया गया और कई और लोगों को भी मदद की गई। अंत में आभार नवेली प्रेसिडेंट आराधना अग्रवाल ने जताया। संचालन रुचिका डालमिया ने किया। इस अवसर पर नवेली प्रेसिडेंट आराधना अग्रवाल, सचिव निमिषा अग्रवाल, एडिटर मोना अग्रवाल, आईएसओ प्रियंका गोयल, आईएसओ प्रिया अग्रवाल, एडिटर रुचि अग्रवाल, मनीषा अग्रवाल, प्रिया अग्रवाल, पुष्पा श्रीवास्तव, अलका सिंह, गीता अग्रवाल, संतोष जालाना जी मौजूद रहे। लखनऊ से आई हुई वर्षा विनय कुमार और मेरी जोनल हेड भारती सिंह का मैंने बहुत स्वागत किया, तहे दिल से उनका स्वागत किया। और उसके बाद उनको लेकर के मैंने साईं हॉस्पिटल में प्रोजेक्ट किया, उसमें एनीमिया का प्रोजेक्ट किया। एनीमिया में हमने बहुत सी महिलाओं का ब्लड टेस्ट करवाया, जिनको एनीमिया की कमी थी उनको हमने कढ़ैया, लोहे की कढ़ैया, गुड़ चना बांटा। फिर हम लोगों ने कुछ महिलाओं को साड़ी का वितरण किया। एक विकलांग लड़की को हम लोगों ने व्हील चेयर दी और कैंसर सर्वाइकल का हम लोगों ने बहुत बड़ा बैनर लगा करके उसका ऐड किया, उसकी ब्रांडिंग की। उसके बाद हम लोग नेत्र मंदिर आए, नेत्र मंदिर में हमने बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत वाटिका बनाई थी, वाटिका दिखाई उनको, अपना रनिंग प्रोजेक्ट का स्कूल दिखाया। फिर हम लोग होटल आए, होटल में हम लोग की एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई। फिर उसके बाद जनरल बॉडी मीटिंग हुई। जनरल बॉडी मीटिंग में हम लोगों का बहुत ही वर्षा मैम ने स्वागत किया, बहुत ही उसके बाद हम लोगों ने भी उनका बहुत ही स्वागत किया। और फिर वहाँ पे भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट किए कई, एक दो सिलाई मशीन वितरण की। एक लड़की को जिसने हमने शिक्षा की पढ़ाई, साल भर की पढ़ाई का जिम्मा लिया है हमारी क्लब ने, उसको हमने कुछ एक महीने की पढ़ाई का खर्चा दिया। और हम लोगों ने तंबाकू का बैनर बनवा करके उनसे उसका ओपनिंग करवाई। इतना हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया। और मेन उद्देश्य ये है कि हमारी क्लब समाज सेवा के उपलक्ष में है, समाज सेवा करने के लिए बताती है और महिलाओं का योगदान है इसमें। ये बहुत बड़ी महिलाओं का ही क्लब है, ये महिलाएं ही मतलब, और इसमें प्रोजेक्ट महिलाओं के ही लिए ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाता है कि आप करिए। आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र के हमीरपुर गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सोमवार देर शाम कुत्ते को बचाने के चक्कर में कार खाई में गिर गई, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई व चार लोग घायल हो गए। घायलों को पुलिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई लाई, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। आपको बता दें कि बिहार प्रांत के वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के निवासी मोहम्मद रऊफ उम्र 50 वर्षीय, अपनी पत्नी शहाना उम्र 45 वर्षीय, अपने दो पुत्र मोहम्मद अनस उम्र 15 व अशद उम्र 14 तथा पुत्री आशिया परवीन उम्र 16 वर्ष के साथ अपने घर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कार वैगनार द्वारा दिल्ली जा रहे थे। वाहन को दिल्ली के संगम विहार निवासी इब्राहिम चला रहा था, जैसे ही उनकी कार हमीरपुर गांव के समीप NH 184 पर पहुंची, एक कुत्ता सड़क पर आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में तीव्र गति से चल रही कार अनियंत्रित होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाईं तरफ का डिवाइडर तोड़ते हुए नीचे खाई में गिर गए, जिसमें मोहम्मद रऊफ की पत्नी शहाना और पुत्र अनस की मौके पर ही मौत हो गई और चालक समेत परिवार के सारे सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पवई थाना अध्यक्ष रामप्रसाद बिंद पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। आजमगढ़ की शहर कोतवाली पुलिस ने जिला चिकित्सालय आजमगढ़ से पुलिस अभिरक्षा से फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। उक्त अभियुक्त 2 नवंबर को जिला अस्पताल से इलाज के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, जिसमें पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में निरीक्षक राजेश कुमार द्वारा विवेचना की जा रही है। आज 8 नवंबर को हेड कांस्टेबल जितेंद्र सोनकर, ब्रजेश यादव तथा सुधीर शर्मा अभियुक्त की तलाश करते हुए रोडवेज पर मौजूद थे।
उन्हें सूचना मिली कि जो अभियुक्त जिला अस्पताल से पुलिस अभिरक्षा से भागा था वो रोडवेज के पास बवाली मोड़ तिराहे पर खड़ा है। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल रोडवेज के पास बवाली मोड़ तिराहे से उक्त अभियुक्त को घेर कर पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम सूरज उर्फ परविंदर पुत्र विनोद निवासी तुरकौली थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ बताया। आपको बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के टुकौली गांव निवासी सूरज कुमार पुत्र विनोद को पुलिस ने एक माह पूर्व चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। बीते एक माह से वो आजमगढ़ जिला कारागार में बंद था। 1 नवंबर की देर शाम जेल में उसकी तबीयत खराब हुई। हालत गंभीर होने पर जेल प्रशासन ने 2 बंदी रक्षकों के साथ उसे जिला अस्पताल भेजकर भर्ती कराया। कहा उसका इलाज चल रहा था। 2 नवंबर को दिन में लगभग 4:30 बजे बंदी सूरज जेल के साथ आए बंदी रक्षकों को चकमा देकर अस्पताल से फरार हो गया। इलाज के लिए जेल से जिला अस्पताल लाए गए बंदी के फरार होने की जानकारी होने की पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। शहर कोतवाली पुलिस भी जिला अस्पताल पहुंच गया और फरार बंदी की पुलिस तलाश में जुटी रही। करीब 1 सप्ताह बाद सूरज को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़ अ कम्प्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। पूर्वांचल किसान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। ICU, ICCU, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरोली आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक,